इस नवरात्रि में आज हम बनाएंगे मूंगफली का हलवा। तो मूंगफली आप देख रहे हैं हम लिए हुए हैं और इन्हें साफ कर लिए हैं। कुछ भी बनाने से पहले हमें मूंगफली को एक दो दिन पहले धो के सुखा लेना है, स्वच्छ कर लेना है। उसके बाद इसे पछोर के बीन के तैयार कर लेना है। तो अब हम चलते हैं इसे भूनने, इसका हलवा बनाएंगे। तो चलते हैं इसे भूनेंगे। और इस नवरात्रि में यहाँ पे हमारे मम्मी के यहाँ तीन जगह बाजू में दुर्गा माता जी का चौकी बैठाया गया है, माता जी बैठाई गई हैं और वहाँ पे हर जगह बाजा बज रहा है। तो आप लोगों को थोड़ा सा बाजा का आवाज़ सुनाई देगा, तो आप लोग भी गाना सुनते रहिए, आनंद लेते रहिए। और चलिए वीडियो बनाते हैं हम। इधर आग वग हम जला लिए हैं और चल रहे हैं, पहले मूंगफली को भूनेंगे। धीमी आंच पर ही हमें भूनना है मूंगफली, तेज आंच पर नहीं भूनना है। तो मूंगफली अच्छे से भून गई है, देखिए हर मूंगफली इस तरह से चिटक गई है। तो इसी तरह से हमें भूनना है, ज्यादा इसे नहीं भूनना है, बस अब इसे हमें तुरंत उतार लेना है। मूंगफली भून के हम रख दिए, थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब इसका हम छिलका उतार लेते हैं हाथों से, थोड़ा सा इसे मसल के। पछोर के इसे हम पीस लेते हैं, थोड़ा थोड़ा लेके इसे हम पीस लेते हैं। पीस के इसका पाउडर तैयार करेंगे। तो मूंगफली हम पूरा पीस लिए हैं, तो देखिए किस तरह से पीसे हुए हैं। बस ऐसे ही हमें पीस लेना है, जितना हो सके उतना हम बारीक कर सकते हैं। मूंगफली हम पीस लिए हैं, चल रहे हैं हलवा बनाएंगे इसका, मूंगफली का। तो यहाँ पे हम एक चम्मच देसी घी लेंगे, थोड़ा सा घी गर्म होते ही इसमें हम डाल देंगे ये जो हम मूंगफली भुने हुए हैं। थोड़ा सा इन्हें सोना कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस एक मिनट हमें भुनना है। अब इसी में हम कुछ मसाले लिए हुए हैं जो घर पे हैं, मेवे मसाले, उन मसालों को हम इसमें डाल देंगे और डाल के थोड़ा सा इन्हें भी भुनेंगे। जो घर में आपके मेवे मसाले हों, सूखे मेवे मसाले, उन्हें हमें ले लेना है। अब हम इसमें लगभग 100 ग्राम मूंगफली हम लिए थे, तो 100 ग्राम मूंगफली के लिए 150 ग्राम हम दूध लिए हुए हैं, डेढ़ पाव हम दूध लिए हैं। तो 100 ग्राम मूंगफली था, डेढ़ पाव दूध और 100 ग्राम हम चीनी भी इसमें यूज करेंगे। आप मीठा स्वाद अनुसार डालिए, जिसे ज़्यादा या कम मीठा पसंद हो तो आप उसी के अनुसार डालना। अब इन्हें हम चलाएंगे और चलाते हुए पका लेंगे, ताकि जो मसाले हैं, मसाले को हम ज़्यादा तेल में नहीं फ्राई किए हैं, घी में नहीं फ्राई किए हैं, सिर्फ थोड़ा सा सिकैया करने के लिए डाल दिया था मूंगफली में। अब यहाँ पे हम दूध में मसाले को पकाएंगे, तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से हलवा जब भी बनाएंगे, दूध में अगर मसाला पकता है तो बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट हलवा बन के तैयार होता है। तो अब इसे हम चलाते हुए पकाएंगे लगभग 5 मिनट। और यहाँ पे हमें उबला हुआ दूध लेना चाहिए हलवा बनाने के लिए। एक बार हम पकाए हुए थे, दूध उबला हुआ है। दूध डालने पे, सभी मसाला डालने के बाद 5 मिनट तक हम इसे पका चुके हैं और बहुत ही बढ़िया बन के हलवा तैयार है। तो देखिए मूंगफली का हलवा बन के तैयार है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी। इस नवरात्रि में आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिए इस तरह से। तो जो लोग व्रत हैं, इस तरह से मूंगफली का हलवा बना के
खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी बन जाती है। दूध और सभी सूखे मेवे मसाले डाल के टेस्टी और विटामिन से भरपूर मूंगफली का हलवा बनाएं, खाएं, स्वस्थ रहें। तो मूंगफली का हलवा बनके तैयार है, गर्मा गर्म सर्व कीजिए। इस नवरात्रि में हलवा का भी आनंद लीजिए। तो मूंगफली के हलवा का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। फेसबुक पे जो लोग देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।